तो आ गई मेरे सपनों की रानी। लड़की को देखकर लगता है कि वो तुम्हें किस करना चाहती है। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। बोला दया, ठीक से सुनो, बड़ी मुश्किल से कोई लड़की शादी के लिए मान गई है। वो हम तीनों में से किसी एक से शादी करेगी। वो यानी इससे करेगी? क्या, वो शादी किससे करेगी? पता नहीं, अब उसे हम तीनों में से कौन पसंद आता है। दया, तू समझ गया ना, हम शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। हाँ समझ गया, लड़की की शादी में जा रहे हैं। भोला, इस बहरे को ठीक से समझा। रानी में नहीं, रानी के लिए देखने जा रही है। क्या कहा, लड़की को किडनैप करना है? नहीं। हे भगवान, बस उस लड़की को पता ना चले कि हम अंधे गूंगे बहरे हैं। ठीक है, तो अंदर जाके तमाशा नहीं करना है। क्या कहा, तमाशा देखने जाना है? कालिया, ये तुझे हो क्या गया है? पहले कहता है लड़की को किडनैप करना है, अब कह रहा है तमाशा देखना है। भोला, मुझे पकड़ ले, वरना आज मैं इस दया को यही जिंदा गाड़ दूंगा। क्या, अंदर जाके लड़की को जिंदा गाड़ना है? कालिया, तू एक कैसी बकवास कर रहा है, तू पूरी तरह से बिगड़ गया है। बिगड़ गया है? दया, अब तो तू गया, तुझे छोड़ूंगा नहीं। एले एले, कहाँ है तू? एले ए बिले, कहाँ है तू? अरे कालिया, मैं तो यहाँ हूँ। तो तू वहाँ है, अब तो तू गया। एले। बोला, इसे ठीक से समझा और अंदर ले आ। पता नहीं ये आदमी कौन है जो इतनी देर से हमारे सामने खड़ा है। क्या हमारे सामने कोई खड़ा है? जरूर उस लड़की का कोई करीबी होगा, इसे इम्प्रेस करना होगा। एक गुंगा भोला और बहरा कालिया गए भाड़ में। अरे वाह, मेरा भविष्य कितना उज्जवल है। दया, एक बात बता, ये जो सामने आदमी खड़ा है वो कैसा दिख रहा है? कालिया, ठीक से बोल, सिर्फ अपने होठ हिला रहा है। अरे यार, इस बहरे का क्या करूं मैं? दया, ठीक से सुन, ये आदमी कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? कैसा दिख रहा है? हाँ। अरे वाह, ये अंधा और गूंगा गए भाड़ में, अब इस कालिया को सबक सिखाता हूँ। अरे वाह, मेरा भविष्य कितना उज्जवल है। कालिया, ये जो आदमी है बड़ा ही खुश दिख रहा है, और हाँ, इसके बाल बहुत स्टाइलिश है, और इसने कपड़े भी बहुत रंगीन पहने हैं। कम से कम 10 कलरों के रंग है इसके ड्रेस में। कालिया, लड़की आ गई। तो आ गई मेरे सपनों की रानी। तो आ गए तुम थ्री इडियट्स। श्यामलाल, इन तीनों को सब बातें ठीक से बताओ। तो ठीक से सुनो, इनका नाम है ईशा। क्या रिक्शा, ये कैसा नाम है? मैं अभी बता रहा हूँ, हमारी शादी के बाद ये रिक्शा नाम तुम्हें बदलना होगा। नहीं नहीं नहीं, पागल बहरे कहे के, रिक्शा नहीं ईशा। पता नहीं क्या कह रहा है, समझ गया बोलता हूँ। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। और हाँ, मैं इनका बॉडीगार्ड हूँ। तो सबसे पहले मैं किससे सवाल पूछूँ, बताओ? तो तुम पहले मेरे सवालों के जवाब दोगे? हाँ, मैं दूंगा जवाब। पहले इन दोनों की तारीफ करता हूँ। अरे वाह, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। दया ने कहा था कि इस आदमी ने रंगीन कपड़े पहने हैं और इसके बाल बहुत अच्छे हैं। और आपके बारे में तो क्या ही कहूँ, स्टाइलिश बाल, रंगीन कपड़े। पागल है क्या? अरे वाह, तुम कितने मजा किया हो। अरे ये लड़की इतना क्यों मुस्कुरा रही है, कुछ करना पड़ेगा। अरे वाह कालिया, लड़की को देखकर लगता है कि वो तुम्हें
किस करना चाहती है। अरे वाह, इस दिन के लिए मैंने रोज कितनी मेहनत की है। सुबह शाम दीवारों को चूमकर अपनी किस करने की कला सुधार रहा था। अरे वाह, रुको जानू, अभी तुम्हें किस करता हूँ। लड़की तुम्हारे लेफ्ट साइड में खड़ी है कालिया। अरे नहीं, मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैंने तो कसम ली थी कि पहले किस अपनी बीवी को ही करूँगा। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। अब श्यामलाल क्यों चिल्ला रहा है, क्या हुआ है इसे? कालिया, लड़की शर्मा के दरवाजे से भाग रही है, जल्दी से उसका पीछा कर। अभी जाता हूँ, हुर्रे। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। चिंता मत करो, मैं तुमसे शादी करूँगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारे इस दोस्त ने श्यामलाल को क्यों किस किया? क्या कहा? मेरे सामने श्यामलाल को किस करोगी? बहरे हो क्या? क्या कहा? बकरा हो क्या? मैं बकरा नहीं, शेर हूँ, शेर। निकल जा बहरे, मुझे इंसानों से शादी करनी है, किसी बकरे या शेर जैसे जानवर से नहीं। क्या कहा? बकरे और शेर से शादी करोगी, लेकिन मुझसे नहीं। बहुत हो गया, अब तो तू गया, ये ले। क्या? साले गाली देता है। अब उधर देख के क्या बातें कर रहा है? तुझे मारने के बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी करना है।